देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैंने पता सी कि तू जरूर आएंगी, और तू ही समझा अपनी बड़ी भैन नू। सरगुन पुत्र, ये की चल रहा है? चंद्रा भैन जी की कह रहे ने? एक मिनट रुको, हुणे पता लग जाएगा। पर गल की है पुत्र, कुछ पता था चले? मम्मी जी, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता। आंटी जी ने मैनू आप फोन करके इत्थे बुलाया है। तुसी दो मिनट रुको, सब पता चल जाएगा हुणे। जे तुहाडी जगह ते मैं हुंदी ना, ते चार चपेड़ा रख के मारदी मुंह ते, ते फिर पुछदी कि हुण दस तेरी सास एथे इन्ने गुस्से च क्यों आई है। पर अफसोस कि ये मेरी कुड़ी नहीं है, ते ऐस गल दा मैं मान कर दी हां। ए तुसी की कह रहे हो आंटी जी? एहो जा की करता दीदी ने? की करता? ए पूछ के की नहीं किता। एहो जी बदतमीज ते कमंडे कुड़ी नू मैं अपने घर दी नूणी बना सकदी। गल खत्म। मैं रिश्ता तोड़ रही हूं, उन्हें ब्याह नहीं हो सकता। रखो तुसी अपनी कुड़ी अपने घर च। आंटी जी, तुसी पहले गल तो दसो कि होया की है। जे तुसी गल ही नहीं दसोगे तो फिर आप हल किवें कढ़ांगे? मैं हुण होर कोई गल नहीं करनी, जिहड़ी गल करनी सी मैं करती है। आंटी जी प्लीज, बार बार मन्नू की पुछी जाने हो, अपनी लाडली भैन नू पुछना। जिन्नू मैं अपना हीरिया वर्गा मुंडा कोडिया दे पा देता, आंटी जी होया की है? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कुछ दसो तो सी। ओए होए, मैं तो मरे जावा, हुने धरती फड़ जे ते मैं विच्ची समा जा। किन्नी पोली बनी खड़ी है, जिवें इन्हू कुछ पता ही ना होवे। क्यों, तू समन नू फोन नहीं किता सी? हुन कह दे कि केड़ा फोन। फिर कही केड़ा समर, मैं तो किसी नू जानदी नहीं। बोल बोल, सब कुछ दस। जो बकवास कर रही सी फोन ते मेरे बारे कि मैं दिवाली दे गिफ्ट लेंदी फिर दिया, बड़ी लालची हां मैं, बोल के दिखाना सब दे सामने। आशा जी, ताड़ी कुड़ी दे मुंह च ना फुल डिग दे, फुल मेरे मुंडे नू मेरे खिलाफ भड़का रही सी, और भी पुठियां सी दिया गल्लां करके। यही सब कुछ सिखाया तुसी अपनी धीआं नू कि दूजिया की बेइज्जती ऐदा करो? हजे तो ब्याह करके साडे घरे नहीं आई, नहीं तो पता लगता कि इन्हें तो मेरा मंजा बिस्तर ही गली च डुआता है। तुसी सांभो अपनी कुड़ी नू अपने घरे, ते मैं चलनी हां। सानवी, जो भैन जी कह रहे कि ये सच है? तू है सब क्या है समर नू? ओ आ के दसूगी, जो मैं अपने कन्नी सुनिया ना, मैं ओही तानू दस रही हां। ओ ता असी लोग बैंक गए सी, ते समर ने अपना फोन मैनू फड़ाता सी, इसीलिए फोन मैं चुकिया सी, नहीं ता एने ता मेरे मुंडे नू मेरे खिलाफ भड़का देना सी। मैं सच्ची कहनी हां, इन्ना माड़ा क्या है ना इस कुड़ी ने मैनू, कि सच्ची मैं इन्नी माड़ी औरत हां? आशा जी दसो, तुसी दसो मैनू, जे ये गल है ना आशा जी, ते फिर मैं तानू इस रिश्ते तो आजाद कर दी हां। जो तुसी मैनू लिता दिता ना, वो सब कुछ मैं तानू मोड़ देनी हां। मैनू इह जा कुछ नहीं चाहिदा। मेरे समय नू कुड़ियां दी कोई कमी नहीं है। सांभो तुसी अपनी कुड़ी, ते मैं चलनी हां।
जी, आंटी जी, मम्मी, मम्मी, मम्मी जी, मम्मी, मम्मी जी, ठीक हो तुसी? मैं देखती हूँ, फिकर ना करो तुसी। आंटी जी, आंटी जी, तुसी एक बारी प्लीज मेरी गल तो सुन लो, फिर थोड़े दिल च जो भी आएगा ना तुसी वो कर लेना, बस एक बारी मेरी गल सुन लो। ठीक है, जे तू कहनी है तो फिर मैं तेरी गल सुन लेनी है। आखिर तू इन्ने वड्डे खानदान की नूह जो है, तेरी गल भला कोई किवें टाल सकता है? दस की गल है। मैं सब युवराज से छड़े, मैनू पूरा भरोसा है युवराज मेरे लिए चंगा मुंडा ही पसंद करूंगा। युवराज की सहमति ये की चक्कर है? मैं कुछ समझा नहीं। नहीं नहीं जी, कुछ नहीं। असल च गल इदा है कि हजिंदर मेरी बहुत ही चंगी दोस्त है, ते हलीन ते युवराज छोटे होंदे तो इकट्ठे रहे ने, इकट्ठे पढ़े ने, दोवें एक दूजे नूं बहुत ही चंगी तरह समझते ने। बस इसे करके ही हलीन का बहुत ही विश्वास है युवराज उत्ते। बस जी, इसे करके ही युवराज नूं हर काम दे अगे लगाई रखती है। वाह मम्मी जी वाह, तुहाडा तां जवाब नहीं है, पहला झूठ बोलो फिर उन्हूं ही पकड़वा दो। आंटी जी, मैं नहीं ये कह रही कि तुसी झूठ बोल रहे हो, जे तुसी ये सब बोल रहे हो तो सच ही बोल रहे होवोंगे। सानवी दीदी ने पक्का तुहाडे बारे कुछ ना कुछ गलत बोले ही होएगा। पर एक गल होर है, मैं अपनी दीदी नूं ना चंगी तरह जानदी हां। मैं अपनी दीदी वर्गी गां कुड़ी साफ दिल दी अज तक नहीं वेखी। मैं ये गल ना गरंटी दे नाल कह सकती हाँ, वो कदे भी किसी दे ना दिल नहीं दुखा सकते। पर जे उन्होंने फिर भी थोड़े बारे कुछ बोलिया ना, तो दिलों कोई गल नहीं बोली होएगी। होया कि होना, दीदी ने ना मम्मी नूं परेशान वेख्या होना, इस करके आप भी परेशान हो गए, तो इन्ना सब कुछ फोन उत्ते बोल दिता। नहीं तो मेरा यकीन करो, वो थोड़े बारे कदे भी कुछ गलत नहीं बोल सकते। तू की कही जानी है? उन्हें मेरी मुंह ते बेइज्जती कीती है, ते तू कह रही कि गावर की कुड़ी है? आंटी जी, मैं थानू ओही ते समझाने दी कोशिश कर रही हां कि दीदी ने तुहाडे मुंडे दे सामने ना अपने दिल दी भड़ास कड्ढी होएगी। नाले सानवी दीदी समर जीजू दे नाल बहुत प्यार करदे ने, बंदा तां उसे दे नाल अपने दिल दी गल सांझी करदा ना जिहदे नाल ओह सब तों ज्यादा प्यार करदा होवे। तुसी मेरा यकीन मन्नो, दीदी नूं बिल्कुल भी नहीं पता सीगा कि तुसी फोन चक्या है समर जीजू दा, नहीं तां ओह कदे भी तुहानूं इह सब कुछ ना बोल दे। तुसी मेरा यकीन करो, इस गल दे लई ना दीदी भी हुणे तों हुणे तुहाडे तों माफी मंगणगी। हना सानवी दीदी, मैं सही कह रही है ना? मैनूं तां लगदा सी कि सरगुण इक चपेड़ मारूगी सौरभ ते, पर इहने तां मेरी सरगुण इन्नी वड्डी हो गई कि जिथे मैनू चंद्रा भैन जी नाल गल करनी चाहीदी सी उत्थे ओह कर रही है। मैनू माफ कर दिओ आंटी जी, मैं गुस्से च पता नहीं की कुछ बोल गई। तेरी अपनी जबान दा रसी तेरे मुंह च डिग्गिया आके, हुण कुछ नहीं हो सकदा, रिश्ता टूट चुका है। पर युवराज दिस नहीं रहा कितने भी, जद्दे असीं आए हैं
नजर ही नहीं आया ते तुहाडी नूर राणी भी नहीं दिख रही हैगी वो कित्थे गए ने कोई काम भेजे उन्होंने दरअसल युवराज नूं ना देखिया मुद्दत हो गई सिर्फ गल ही होंदी उहदे नाल तुसीं मिलाओ फोन फोन उहनूं ओ अंकल जी एन मौके ते ना उन्हां नूं बहुत जरूरी काम आ गया वो तो इत्थे रुकना चाहते सी पर फिर मैं ही उन्हूं ते भरजाई नूं भेजता कि तुसीं लोग जाओ कोई नहीं मम्मी पापा हैगे ने आप ही सब संभाल लैणगे बस आंदे ही होणगे रस्ते च ही होणे आ ओ तुसीं चाह पानी दा पियो कुछ भी नहीं खाता पीता तुसीं ओ दोनों ते आंदे होणगे तुसीं लो ना कुछ तां लो अच्छा अच्छा प्लीज आंटी जी तुसीं इन्ना गुस्सा ना करो नाले गुस्से नाल भला किसी दा चंगा होया नहीं ना इस करके प्लीज मैं दीदी वालों ना मैं थोड़े को माफी मांगदी हां प्लीज तुसीं दीदी नूं माफ कर दो जी ओदे वालों तू माफी मांग रही है तो तेने ही ओदा जुर्माना भी भरना पौगा हुण दिखानी है तेनू चंद्रा दा चंद्रापन ठीक है मैं करता माफ हुण एने वड्डे खानदान नू मेथों माफी मंगे फिर तो मैनू माफ करना ही पएगा ना ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਰ ਸਾਨਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਸਮਰ ਦੇ ਖਾਤਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਰ ਤੇ ਸਾਨਵੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਸਮਝ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਸਮਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੜਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਸੇ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਬਸ ਇਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਕੱਪੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸੂਟ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਛਾਪਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਇਹ ਸਭ ਵਿਆਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਗਏ ਯੁਵਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਦਰਾ ਭੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਰ ਤੇ ਸਾਨਵੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਹੋ ਸਕਿਆ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹਟਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣੀ ਪਊਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀ ਹੈ
मैं ता सरगुण दी गल कर रही हां हुन ए ता जो चाहे ओ कर सकदी है हुन किस चीज दी कमी है तैनू तू आप ही सोच कि तू ब्याह च एक पासे गहणियां नाल लद्दी होएगी ते दूजे पासे तेरी भैन बिल्कुल साथी होगी कि तैनू ए सब कुछ चंगा लगूगा जो कुछ भी तुसी लोग मैनू दोगे वो केड़ा मैं नाल ले जाना है मेरे पास सारा कुछ सानवी का ही है हुन घटो घट पंजाब तो लेता सेट तो तुसी बनवा के दोगे सानवी नू क्यों देख मैं समर की खातिर सानवी नू माफ करता पर मैं हुन चाहनी हां कि तुसी भी समर के बारे कुछ सोचो तुहानी तो पता ही है कि ये दोनों एक दूजे के बगैर नहीं रह सकते बाकी ताड़ी मर्जी है फिर ओ शर्टी ए दोवें जाने रह कितने गए ने यूवी नू फोन करके पता कर कितने ने बीबी जी मैं फोन किया युवराज भाई जी फोन नहीं चुकते पे तो सरगुण भरजाई का भी फोन नहीं लग रहा मेरा मतलब सरगुण का भी फोन नहीं लग रहा मैनू लगता इन्होंने इदा नहीं हटना इन्हों जवाब देना ही पैना आंटी जी तुम यही चाहते हो ना कि समर जी जू तो सानवी दीदी का विआह धूमधाम के नाल होवे तां फिर ठीक है जिवें तुसी चाहते हो ना सब कुछ उमे ही होएगा मैनू तो पहले ही पता सी सरगुण कि तू बहुत ही सियानी कुड़ी है जब मैं तेनू पहली बारी देखिया सी ना मैं ताई समझ गई सी कि तू बहुत ही हिम्मती ते स्मार्ट कुड़ी है चल ठीक है फिर मैं तेनू गहने दे डिजाइन भेज दांगी जिदा दे मैनू पसंद है तेनू बनवाण च भी तो सौख होएगी ना आ तो बहुत चंगा हो गया कि सारा कुछ ठीक हो गया आशा जी हुण असीं छेती अगले हफ्ते का मुहूर्त कटा लैने ब्याह च देरी नहीं होनी चाहिए जिनी छेती ब्याह होवे ना उन्ना ही चंगा है बधाइयां तुहानू सारयां नू चंगा फिर हुन मैं चलती हाँ सरगुण ये की तू किता तू इदा हाँ क्यों करती वो भी इन्नी छेती किदा होएगा ये सब पुत्र हाँ तो तू कर दिती है पर आप यह सब करांगे किदा मम्मी जी तुसी फिकर ना करो मैं सब देख लांगी पर की करेंगी तो मम्मी जी तुसी फिकर ना करो सब कुछ ठीक हो जूगा आप मिलके ना कोई रास्ता जरूर कर लांगे हाँ शटी बोल भाई जी कितने हो यार तुसी इतने हरलीन मुंडे वाले देखने आ गए ने तुहाडे बारे पूछ रहे ने बार बार ठीक है मैं 5 मिनट आ गया ठीक है भाई जी सरगुण जी तुसी इतने रुको मैनू जाना पैना वो हरलीन देखने वाले आ गए ने बार बार मेरे बारे पूछे जा रहे ने नहीं सिर्फ तू क्यों मैं भी जावांगी तू 1 मिनट रुक मम्मी जी तुसी बिल्कुल भी चिंता ना करियो मैं सब देख लांगी अच्छा हुन मैं चलती हाँ मैंने जाना पेगा मैं बाद चाह जाऊंगी चंगा
ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਕੁਰਤੀ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਬੰਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਯੁਵਰਾਜ ਭਾਜੀ ਨੌਂਚ ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ